वेलकम टू द फूड लॉजिक। आज की वीडियो में हम लोग निकालेंगे बेस्ट सॉल्टेड बटर। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका द फूड लॉजिक के एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में जैसा कि आर्यन ने बताया कि हम रिव्यू करने वाले हैं 3 ब्रांड्स ऑफ सॉल्टेड बटर और हम ढूंढ निकालेंगे कि अमूल के आगे कोई टिक पाता है क्या, क्योंकि सब ने सुना है अमूल बटर इज असली बटर और बाकी सब नकली है क्या। यही तो पता लगाना है और ये हमने ठेका लेकर रख लिया है। तो जल्दी से इस बटरी रिव्यू को शुरू करते हैं, बट उससे पहले फूड लॉजिक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रिव्यूज के अपडेट आपको तुरंत पहुंच जाए। और हमारे वेबसाइट foodlogic.in जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर उसको चेकआउट करें। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चीज और रिव्यूज जो भी हमने करे हैं वहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, बेस्ट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप डायरेक्टली अमेज़न के थ्रू बाई कर सकते हैं। तो निकल चुके पैठा, जादू से पैठा निकल चुका है। और सबका वो प्राइस बता दें, सब आता है 100 ग्राम और इसका दाम है आपको 56 रुपीज, ये है 58 रुपीज एंड ये है 69 रुपीज का 100 ग्राम। और सबका फैट अगर बता दे तो वो भी सबका 100 पर 100 ग्राम में 80 ग्राम। Yes. अमूल से शुरू कर दे क्योंकि मेरा स्पून में अमूल लग चुका है। ठीक है, अमूल से शुरू कर। और ये सबसे ज्यादा टेस्ट किया जाने वाला बटर है। तुमने मदर डेरी का किया है ना? कॉन्शियसली तुमको याद है कभी किया हो तो? नहीं याद है। सबसे ज्यादा इसका ही बटर खाया हूं मैं लाइफ में। तो एज इन ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता कि बटर में क्या वेरिएशन मिल सकता है, क्योंकि दूध के हिसाब से ही हो सकता है ना। अगर दूध अलग है तो बटर का अलग होगा, क्योंकि सब में 80% फैट है, 15% पानी है जो भी बोलते हैं, और बाकी चीन और बाकी नमक वमक जो भी होता है। एंड आपको बता दें कि प्रेसिडेंट क्लेम करता है कि ये फ्रांस का नंबर वन बटर है। हाँ। तो विदेश से भी कंटेंडर आए हैं। अमूल है इंडिया का टेस्ट और प्रेसिडेंट है पेरिस का टेस्ट। अब फ्रांस का टेस्ट पेरिस लिखा है, सॉरी सिटी हो जाना है। मदर डेरी साल्टीनेस कम है थोड़ा, और कोई कोई जगह बहुत ज्यादा है भाई। हाँ, जब हाँ, चला गया तब सॉल्ट रह गया ऐसा लग रहा है। ओवर हाँ, हाँ बटर अंदर चल गया, सॉल्ट रह गया। और इसका पूरा ईटिंग एक्सपीरियंस ही वही है, पहले बटर गायब होगा फिर सॉल्ट रह जाएगा। क्या मैजिक हो रहा है, बटर का टेस्ट ही नहीं आ रहा पहले तो मेरे को, जब पहले एकदम आ रहा है फिर, पर सॉल्ट का जो एंडिंग एक्सपीरियंस है ना, पीछे से उठ के सॉल्ट रह जा रहा है पूरा मुंह में, और बहुत ज्यादा सॉल्ट, और ऐसा लग रहा है कि एकदम उभर के आ रहा है, हो गया है पूरा। ऑल्दो इसका भी आ रहा है, पता नहीं यार, सॉल्टेड बटर शायद ऐसे ही होता होगा, आया तो इसमें भी, लेकिन इसमें उतना नहीं आया, इसमें जादू टाइप का है। इसमें बॉदर करने वाला है कि भाई बटर गायब, नमक कहाँ से वापस पीछे से आया अंदर जाके बाहर। लेकिन इसमें क्या है, एक आपको एक साथ में मिल रहा है बटर और सॉल्ट एक साथ में मिल रहा है। ये ऐसा लगता है कि अच्छा चलो अंदर ले लिए, जो भी टेस्ट मिल रहा था मिल गया, अचानक से भी नमक, हम भी हैं प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। और ये देख रहा है ये फर्म है, और ये बहुत देर से बाहर रखा हुआ था फिर भी ये मेल्ट ही हुआ, सारा इक्वल मतलब टाइम ही बाहर रहा है, बट ये इसका टेक्सचर अभी भी हाँ काफी बॉडी है इस बटर में। सस्ता नहीं, सबसे अच्छा अच्छा जिम जाता है बटर। क्या है भाई, ये ऐसे ही होता है क्या? हम ही लोग पगला है। जो टेस्ट हो रहा वही है भाई, हम लोग अपने से थोड़ी बनाए कुछ। क्या मैजिक है, इसका भी वही हो रहा है, सॉल्ट पीछे से आ रहा है। एक बार टोस्ट में करके देखते हैं भाई। हाँ ये ठीक बोले, बटर तो बेटा ऐसे नहीं पता चल रहा, बहुत ही हेवी रिव्यू है ये। इसमें थोड़ा समझ में आ रहा है क्योंकि मैजिक टाइप का कुछ नहीं है, और बटर साला ऐसे कौन चाटता है। सही बात है, ब्रेड में अब थोड़ा सॉल्ट जो भी है सॉल्ट का वो मेरे को पता चल रहा है कि ब्रेड में वो कहीं मिक्स हो गया है, और एक अच्छा फ्लेवर दे रहा है। वैसा एक्सपीरियंस दे भी रहा था थोड़ा बैलेंस, मेन तो इन लोग दोनों का देखना है, और खास करके इसका उल्टे साइड।
थोड़ा सॉल्टी ज्यादा हो गया है बट ठीक है, कोई कंप्लेंस नहीं है जैसा पहले था। अभी मतलब जो तुमने दोनों खाया तो बेटर कौन सा लगा ब्रेड के साथ? मेरे को ज्यादा सॉल्टी मदर डेरी लगा बट अच्छा था वो तो है, और ज्यादा फैटी भी लग रहा है पता नहीं क्यों। मदर डेरी प्रेसिडेंट स्प्रेड बहुत अच्छा हो रहा है देख रहा है भाई, बेस्ट स्प्रेड बोल सकते हैं अभी तक। लाइक ऐसा नहीं है कि जैसे इसमें दिख रहा है कि तुमको ऑलमोस्ट ऑयल थोड़ा सा ऊपर आते हुए दिख रहा है हीट के वजह से, बट इसमें वैसा नहीं है, पूरा बॉडी एक साथ। हाँ, और ये स्प्रेड हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कोई स्प्रेड कर रहे हैं। हाँ, मतलब इंटैक्ट रिच स्प्रेड है। हाँ, थिक है, काइंड ऑफ रह जा रहा है। ये थोड़ा प्रीमियम टाइप लग रहा है भाई, लाइट एग्जैक्टली। सॉल्ट का बहुत कम कॉन्ट्रीब्यूशन है व्हेन अप्लाइड ऑन समथिंग, बट प्रीमियमनेस है एंड ये चार्ज भी करता है। अरे यार, लिखा भी है प्रीमियम बटर, प्रेसिडेंट तो काफी अच्छा है। आई मीन अगर आप थोड़ा न्यूट्रल साइड रहना चाहते हो, ज्यादा सॉल्टी आपको नहीं लगेगा इससे, बट आपको थोड़ा लाइट फील होगा बटर खा के। Exactly. हाँ, वो एक चीज है, क्योंकि देखिए फैट परसेंटेज तो सब में इक्वल जैसा ही दिख रहा है यहाँ पे, जैसा लिखा है यहाँ पे 100 ग्राम्स में 80 ग्राम्स फैट है, बट लाइक खाने पे जो फील का तुमने बात किया, लाइट ये लग रहा है। इवन मेरे को लगता है ये ज्यादा अप्लाई किया था मैंने ब्रेड पे, बट ये लाइट लग रहा था एंड ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा यू नो वो जो फैटी एक्सपीरियंस रहता है। हाँ, मतलब ग्रीस, exactly. हाँ. वो टंग पे आपको पता चलने लगेगा कि आप कुछ फैटी खा रहे हो, बट इसमें क्या है कि इवननेस है एंड वो चला गया ब्रेड के साथ इजीली, कुछ रहा नहीं। तो खैर लाइक यहाँ पे तो फिर से काफी सिंपल रिव्यू था ये। लाइक प्रेसिडेंट ओवरऑल ईटिंग एक्सपीरियंस प्लस आई गेस कुकिंग एक्सपीरियंस में भी इसके साथ थोड़ा कुक करके देखना होगा, ऑमलेट वगैरह बना के देखेंगे कौन सा। इस रिव्यू से मे भी ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा बिकने लग जाए या अमूल का सेल कम हो जाए, बट हाँ ऑब्जेक्टिव ये फुलफिल जरूर करता है कि यू हैव अ ब्रांड नाउ टू कंसिडर कि आप एक बार प्रेसिडेंट चूज करके देख सकते हैं, बिकॉज ये काफी अच्छा ब्रांड है एंड डिफरेंस पूरा क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है कि सब एकदम सिमिलर और बटर है, ऐसा नहीं है, एक टेस्ट में आपको डिफरेंट पक्का पता चलने वाला है। स्ट्रक्चर में भी ना ये बहुत ज्यादा लाइक अपने आप को पकड़ के रखा हुआ है, बट ये सब थोड़ा सा निकालने में भी वैसा लग रहा था कि कुछ बॉडी है बटर में एंड अप्लाई करने में भी बहुत स्मूथली अप्लाई हो गया। तो खैर ये सब फैक्टर्स है जो हम लोग अभी तक देखे और जिसके वजह से प्रेसिडेंट TFL approved यहाँ पे बोल सकते हैं, बट बाकी दोनों भी खराब नहीं था। इन दोनों में क्या आपको बटर अमूल जनरल अमूल अमूल मेरे लिए, क्योंकि ऑल्दो देखो बटर में ज्यादा है नहीं, ऐसा नहीं है कि ये खराब है, बट वही है ये जो जादुई एक्सपीरियंस दे दिया मेरे को वो तो वो अचानक से जो है ना मैं भी वो प्रेजेंस वो वाला थोड़ा ट्रिक कर दिया, लेकिन अमूल ओवरऑल अच्छा बैलेंस दे रहा है। अब ज्यादा सॉल्टी लवर हो तो हाँ मदर डेरी व्हाई नॉट, वेरी गुड ब्रांड, बट अमूल फॉर अस राइट। प्रेसिडेंट पहले फॉर अस, हाँ उसके बाद अमूल एंड देन मदर डेरी। तो ये था हमारा रैंकिंग, आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ इंसाइट मिला होगा और हेल्प मिला होगा, जानने को मिला होगा। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि प्रेसिडेंट बटर है इंडिया में, तो आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया जाएगा। तो ये था हमारा रिव्यू ऑन बटर ब्रांड्स, और भी ब्रांड्स हैं उसको हम लोग फिर आगे के वीडियोस में रिव्यू करेंगे। एकदम लेंगे, आप कमेंट में बताएं और क्या क्या ब्रांड्स हैं, हमें थोड़ा इनलाइटन करें, हम जरूर इसको करना चाहेंगे अपने टेबल पे। एंड द फूड लॉजिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड द फूड लॉजिक डॉट इन में भी जाना ना भूले ना भूले। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग रिव्यू में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।